हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज काफी दिनों बाद मैं वापस से वीडियो बना रहा हूँ, और आज मेरा एसबीआई क्लर्क का प्री का एग्जाम था। 20 नवंबर आज की डेट है, ठीक है, 2022। सेकंड शिफ्ट में था एग्जाम मेरा, तो आज मैं उसी का एक रिव्यू देने वाला हूँ कि कैसा क्वेश्चन पेपर आया, मतलब कैसा पेपर आया था और मैंने कितने अटेम्प्ट करा, क्या क्या आया था। तो बकायदा मैंने सारी चीज लिख दी है। इसका पैटर्न चेंज हो गया है, थोड़ी एक न्यूज है, आप समझ सकते हो इसको। आप जान भी चुके होंगे, जिनका 12 नवंबर का एग्जाम था वो लोग सब जान चुके होंगे कि अब एसबीआई क्लर्क का पैटर्न चेंज हो गया है। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। रीजन पहले आता है, उसके बाद मैथ आएगा, क्वांट, उसके बाद आता है इंग्लिश, ठीक। ये पैटर्न अब चेंज हो गया है। पहले इंग्लिश आता था, फिर मैथ, फिर रीजनिंग आता था। तो रीजनिंग और जो इंग्लिश है वो स्वाइप हो चुके हैं, आप रीजनिंग सबसे पहले ही आता है। तो उसी उसी पैटर्न के हिसाब से हम रिव्यू भी करेंगे। मेरा जो शिफ्ट था वो सेकंड शिफ्ट पता था, और 10:30 से 12:30 मुझे टाइम लगा है पूरा पूरा एग्जाम में, क्योंकि 10:30 से फिर 11:30 तक आपको बैठा के रखते हैं। 1 घंटे के अंदर सारा प्रोसेस होता है चेकिंग वेकिंग का, उसके बाद 11:30 से 12:30 एग्जाम होता है हमारा, ठीक है। तो यही होता है रिपोर्टिंग टाइम का। रिपोर्टिंग टाइम के बाद 1 घंटा आप मान के चलो, उसके बाद एग्जाम स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। सीधा जाते हैं हम लोग रीजनिंग वाले सेक्शन पे, आते हैं कि क्या आया था, कैसे आया था क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे मैंने सारे आंसर लिख रखे हैं, जहां तक मुझे याद था मैंने उतना लिख लिया है, ठीक है। ये सारे आंसर जो है वो अप्रोक्स में, मैं पहले बता रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट आंसर नहीं होंगे ये, ठीक। जितना मुझे याद रह गया था, क्योंकि अब पेपर वेपर तो ला नहीं सकते यहाँ पे। तो बॉक्स पजल आई थी, सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट हुआ था वो बॉक्स पजल से स्टार्ट हुआ था। जो चार अंदर देख रहे थे, चार लोग कॉर्नर पे बैठे थे, चार लोग मिडिल में बैठे थे। जो मिडिल बैठे थे वो लोग इनसाइड फेस कर रहे थे, और जो ये जो है कॉर्नर वाले वो आउटसाइड फेस कर रहे थे, और कुछ ऐसे करके हमारा डायग्राम बना था, ठीक है, ठीक। ये जो बॉक्स वाला पजल है वो ऐसे करके बना था। इसमें चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन आए थे, इजी इजी, एकदम इजी लेवल था। रीजनिंग को मुझे इजी लेवल ही लगा। इसमें मैंने 35 अटेम्प्ट करे पूरे पूरे। लास्ट में मेरा 4 मिनट बच गया था, तो उसमें मैंने हर एक चीज को अच्छी तरह देखा है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी है। तो मैं अपनी तरफ से तो पॉजिटिव हूँ कि मेरे 35 में से 35 सही जाएंगे, ठीक है। एक आध गलत जा सकता है, वो मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पजल पे, आती है पोस्ट वाली पजल। जो आती नहीं है पोस्ट वाली पजल आती है, तो उसमें उन लोगों ने दे रखी थी, पोस्ट दे रखी थी कुछ सीईओ, सीएफओ, क्लर्क, ऐसे करके बहुत सारी पोस्ट, क्लर्क नहीं दे रखा था, कुछ और दे रखा था, है ना। बहुत सारी पोस्ट दे रखी थी, सीटीओ दे रखी थी, ऐसे करके दे रखी थी पोस्ट, दे रखी थी पोस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा था उनको, हमको वापस से रीअरेंज करना था। तो उसी में थोड़ा टाइम लग गया इस पजल में। ये रहा पजल का आंसर, RPQTSBDA। कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो कि आंसर बिल्कुल सही है कि नहीं है, क्योंकि ये रिव्यू देने का मतलब यही है कि मैं अपने अपने आंसर बताऊंगा, आप लोग उसे कंफर्म करोगे कि हाँ भाई ये था कि नहीं था, है ना। सेकंड शिफ्ट का है। फिर आता है फ्लोर बेस पजल आती है। ये लास्ट, सेकंड लास्ट पजल समझ सकते हो आप, जो रीजनिंग का पेपर होता है सेकंड लास्ट पजल ये थी फ्लोर बेस वाली। तो उसका आंसर मैंने यहाँ लिख रखा है, आप लोग मैच कर लेना। इसमें इसे भी ठीक ठाक दे रखा था कि आर दो छोड़ के क्यू बैठा है, आर तीन छोड़ के क्यू बैठा है, तो तीन लोग बैठे हैं आर और क्यू के बीच में, फिर आर और ओ के बीच में चार लोग बैठे हैं, ठीक है, आर और ओ के बीच में चार लोग बैठे हैं, फिर ऐसे करके दे रखा था, एन जस्ट अबव पी दे रखा है। ये कंडीशंस थी जो मैं बता रहा हूँ, ये सब कंडीशंस उसमें थी, यहां तो मुझे याद आ रहा है, ठीक है। और ओ के नीचे एम था, ओ के नीचे एम था, तो ऐसे करके दो तीन पॉसिबिलिटी बन रही थी। इसमें मैंने जल्दी से इसे बना के तैयार कर देते, मुझे लगभग लगभग इसमें 2 मिनट लग गया होगा, क्योंकि इसे मैंने इसकी मैंने कम से कम 3 पॉसिबिलिटी चेक करी थी मैंने, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑर्डर रैंकिंग में। ऑर्डर रैंकिंग का भी बहुत ईजी आया था, 6 लोग दे रखे थे, 6 लोग यही है, उनकी हाइट दे रखी थी, तो वाई की हाइट कुछ दे रखी थी, ये जो सेकंड वाला जो है उसकी हाइट दे रखी थी, बाकी सबको आपको हाइट निकालनी थी या फिर बताना था। जेड, पहला क्वेश्चन यही था कि जेड से कम हाइट वाले कितने लोग हैं, तो जेड से कम हाइट वाले 5 लोग हैं, ठीक है, ये मैंने मार्क करके आया हूँ, आप लोग बताना आपने क्या क्या मार्क कराया। फिर एक क्वेश्चन आया था चाइनीज कोडिंग का, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, उसमें क्या था, वर्ड एक सेंटेंस दे रखा था, उसके तीन, जैसे एक लेटर वो नंबर लिखा होता है ना, जैसे 9, 7, 8, ठीक है, एक ये तीन सेंटेंस है, इसमें 3 वर्ड है, उनका मीनिंग ये है। फिर एक और सेंटेंस लिखा था, उसका मीनिंग 5, 6, 8 समझ लो, ऐसा करके था। तो आपको वॉज का जो है वो मीनिंग बताना था, ठीक है, तो वही इसमें बताना था। मैंने वॉज का 8 मैं मार्क करके आया हूँ, आप लोग बताना आप क्या मार्क करके आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे था, मैंने वॉज का 8 मार्क करके आया हूँ, क्योंकि 8 मुझे लग रहा था, ठीक है, वॉज 2 में कॉमन आ रहा था, उसमें मैंने 8
ऐसे करके कॉमन निकाला था। फिर डिस्टेंस डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन आया था, अब मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है कि उसकी डायरेक्शन कैसे कैसे थी, ठीक है, लेकिन काफी अच्छा सा बना हुआ था, 20-10 ऐसे करके गैप में था, पांच, एक का आंसर पांच भी आ रहा था, अब मुझे 5 मिनट, ठीक है। स्लॉक्स आए थे, स्लॉक्स एकदम लास्ट में आए थे, एकदम लास्ट में स्लॉक्स आए थे। और हाँ, इनक्वालिटी भी आई थी, मैंने यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं कर रखा है कि इनक्वालिटी भी आई थी। अब दो क्वेश्चन आए थे जो काफी बच्चों ने, मतलब मैंने पूछा था लेकिन उन लोगों को छोड़ दिया था, तो स्किप कर दिया था उन लोगों ने, ठीक है। तो वर्ड काउंट आया था बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, उसका आंसर आ रहा था 1, ठीक। एक फिर मीनिंगफुल वर्ड बताना था आपको, जैसे होता नहीं कि एक बड़ा सा वर्ड लिखा होता है, मेरे ख्याल से फिजिक्स लिखा था, फिजिक्स लिखा था ऐसा करके, और इसमें से कुछ सेकेंड, फिर थर्ड, फिर ऐसे एट्थ, यहां तक निकालते हुए कोई वर्ड बताना था, लेकिन वर्ड बन नहीं रहा था, तो मैंने एक्स उसमें लिखा होता ना कि अगर कोई इश्यू नहीं बन रहा तो एक्स मार्क कर दो, तो मैं एक्स मार्क करके आया हूँ, ठीक है। और नंबर्स वाले क्वेश्चन आए थे जिसमें नंबर लिखे होते, तीन तीन नंबर होते हैं ना, तीन तीन नंबर के पेयर्स होते हैं, उसको आपको ऐसे स्वाइप करना होता है, फिर बताना होता है, इसका स्वाइप करके फिर बीच की वैल्यूज का सम बताना होता है। तो एक का आंसर शायद 22 आ रहा था, आप लोग मैच कर लेना, 22 आ रहा था। और एक एक था जिसमें लास्ट वाला डिजिट अगर डिलीट डिलीट कर दी जाए तो बाकी जो दो डिजिट बची हैं वो तीन से डिविजिबल, कितनी कितने पेयर बन रहे हैं ऐसे, है ना, तो उसका भी आंसर 3 था, तीन पेयर बन रहे थे जिसके। तो ऐसे करके कुछ रीजनिंग का था पेपर, इजी लेवल था, मतलब अगर आपने स्लो स्टार्ट भी करा है और आपकी मतलब एक्यूरेसी और स्पीड अच्छी है, अच्छी खासी है, प्रैक्टिस आपने अच्छी खासी कर रखी है, तब भी आप मैनेज कर ले जाओगे, क्योंकि पहली पजल दे दी थी ना, तो उसमें अगर थोड़ा टाइम लग गया, मुझे टाइम लग गया था, इसकी दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, है ना, पी को, क्योंकि बोल रखा था पी मिडिल मिडिल में नहीं बैठेगा, है ना, तो पी मिडिल में नहीं बैठेगा, तो इससे दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, आसानी से बन रही थी। तो अगर स्लो स्टार्ट भी हुई है तो आसानी से आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैंने इसमें 35 अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है, और अच्छी तरह चेक भी कर लिया है, मुझे लगता नहीं है कि कहीं गलत है, लेकिन फिर भी देखते हैं, है ना, अपनी तरफ से तो हर कोई बेस्ट करके ही आता है, और जब तक रिजल्ट नहीं आता तो हर कोई यही समझता है कि हम लोगों ने 100% दिया है अपना, जब रिजल्ट आता तब पता चलता है कि हाँ भाई 90% एक्यूरेसी रह गई थी, ठीक है। देखते हैं अब यहाँ पे क्वांट सेक्शन आ जाता है, क्वांट सेक्शन मैं कहूंगा इजी टू मॉडरेट लेवल था, ठीक है। क्वांट में मैंने ज्यादा अटेम्प्ट, ज्यादा ज्यादा कहना ठीक नहीं लगेगा, लेकिन हाँ मैंने ठीक ठाक अटेम्प्ट करा है ना, ठीक ठाक अटेम्प्ट करा है, मतलब 29 अटेम्प्ट करा है मैंने। मैं ट्राई कर तो रहा था कि और अटेम्प्ट कर लूं, लेकिन वो मुझसे हो ही नहीं पा रहे थे, वो क्वेश्चन कुछ मैंने जो छोड़े थे वो या तो टाइम उससे ज्यादा जाता और या फिर मैंने क्वेश्चन मुझसे अर्थमेटिक के कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। एक तो वो कंसेंट्रेट सर्कल वाला एक क्वेश्चन था जिसमें इसका एरिया दे रखा था आप, और उसका बड़े वाले सर्कल का डायमीटर दे रखा था, आपको छोटे वाले सर्कल का डायमीटर निकालना था, कुछ ऐसा करके दे रखा था, मेंशन थी चीजें। आ जाते हैं अर्थमेटिक के, मेरे हिसाब से 12 क्वेश्चन थे, 12 मार्क्स के अप्रोक्स में बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से 12 क्वेश्चन थे अर्थमेटिक के। सिंप्लीफिकेशन भी 12 मार्क्स के था, है ना, रॉन्ग नंबर सीरीज था 5 मार्क्स का, डीआई आई थी, टेबलेट डीआई आई थी, 5 मार्क्स की आई थी टेबलेट डीआई, और डीआई का ऐसा था कि डेटा दे रखा था 2005 का दे रखा था, ऐसा कर रही है 2006 का दे रखा था, 2007 का दे रखा था, और 400 से 600 के बीच का गैप करके गैप दे रखा था, और ऐसे करके 440, 480, फिर 520, 560 ऐसे करके गैप में था डेटा, ठीक है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है वो डेटा कुछ ऐसे था, और फिर आपको निकालना था। इसमें मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, एक क्वेश्चन जो सबसे लास्ट वाला था क्वेश्चन वो मैंने छोड़ दिया, लीव कर दिया, क्योंकि वो कम से कम 5-6 पैराग्राफ का था क्वेश्चन, तो उसको मैंने उसी टाइम पे लीव कर दिया था, स्किप कर दिया था, बाकी मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करा था। रॉन्ग नंबर सीरीज तो बिल्कुल नहीं बन पाई थी मुझसे, 2-3 क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं बन पाए थे, एक का शायद 65, 90 और 30, 40, तो ये रॉन्ग नंबर था मेरे हिसाब से, क्योंकि बाकी कह आ रहा था 22, 25 ऐसे करके आ रहा था, 22, 25 आ रहा था यहाँ पे, जबकि होना था ये 30, 24, 25 होना चाहिए था, तो ऐसा करके मुझे मुझे लग रहा था ये 65 वाला रॉन्ग नंबर है, ठीक है, आप लोगों अगर कर रखा है तो बता देना। सिंप्लीफिकेशन भी काफी लेंदी आए थे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि डुएबल नहीं थे, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि ये ऐसा सिंप्लीफिकेशन आया था, ठीक है, दिखने में तो ऐसा नहीं था, है ना, दिखने में मैंने बना रखा है, दिखने में मैं बता देता हूँ कैसा था, 720/14 × 224/27 ऐसे करके दे रखा था, आपको बताना था, तो इसको मतलब आप सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा करके बनता और 416 उसका आंसर आएगा, ठीक। तो मतलब काफी हद तक इसमें आप समझ सकते हो, यहाँ पे देख के लग रहा है कि हाँ चलो ये 7 का डिविजिबल है, ये 9 का डिविजिबल है इधर से, लेकिन कैलकुलेट करना पड़ रहा था, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आगे 24 × 1/3 + 2 ऐसे करके बिल्कुल नहीं आया था, है ना, ऐसे करके सिंप्लीफिकेशन नहीं आया था, काफी अच्छे लेवल का सिंप्लीफिकेशन आया था, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था, टाइम टेकिंग था ये कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैं 29 अटेम्प्ट करे थे, मैथ में और कुछ ज्यादा बताने लायक है ही नहीं, क्योंकि यही बस 4 चीजें आई थी, केस लेवल से कुछ नहीं थी, एक डीआई आई थी, सिर्फ एक डीआई,
ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, एक डीआईआई थी, अर्थमेटिक अच्छे से आया था, सिंप्लीफिकेशन आया था अच्छे से, और रॉन्ग नंबर सीरीज आया था, और कुछ नहीं आया था मेरे हिसाब से, तो और कुछ नहीं आया था, और कुछ आया तो आप लोग बता देना और आपको कैसा लगा पेपर। ठीक, अब आते हैं लास्ट में, जो सबसे बेकार गया है मेरे हिसाब से तो मेरा, ठीक है, वो होता है इंग्लिश का सेक्शन। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन मैं कहूंगा मॉडरेट मेरे हिसाब से, बाकी सब लोग अपने अपने हिसाब से बता देना। और इसमें पैरा जंबली, मतलब पैरा जंबली पैरा जंबल था, पहला पहला क्वेश्चन था 5 मार्क्स का पैरा जंबल। अब क्या था बिल्कुल पूछना मत मुझसे, क्योंकि मुझे खुद भी याद नहीं है, और मैं बताऊंगा काफी कंफ्यूजन हो जाएगा, और आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, नहीं तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई, अगर 5 मार्क्स का है तो इसमें मेरे 2 या 3 गलत हो सकते हैं। मैंने काफी देखे थे रिव्यू व्यू, है ना, बच्चों से पूछा भी था, तो उन लोगों ने पैरा जंबल अलग बना रखा था उस टाइम पे, तो मुझे थोड़ा बहुत ध्यान है। ए सी या फिर ए सी से स्टार्ट हो रहा था, या फिर ए से स्टार्ट हो रहा था, ई से स्टार्ट हो रहा था, और लास्ट में ए आ रहा था, कुछ ऐसे करके था। और ठीक है, मतलब ठीक ठाक दिख गया, मैं इतना इसमें भरोसा नहीं कर सकता। आर सी था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था आर सी में, डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था। और जो इसमें एक एक सिनोनिम्स आया था उसका, शायद सिनोनिम्स था मैनेज, MANAGE, मैनेज। अब मुझे उसका वर्ड याद, ध्यान नहीं आ रहा है, जो बोल्ड अक्षर में वर्ड लिख रखा था वो ध्यान नहीं आ रहा है। एक कोई ईडियम या फिर फ्रेज आया था, उसका आपको मीनिंग बताना था, वो भी मैंने स्किप कर दिया है। ठीक है, तो मैं इंग्लिश वाला बता रहा था, इसमें बीच में कॉल आ गई थी इसलिए कट गया था मेरा। तो पैरा जंबल मैंने बता दिया था, और आरसी बता रहा था, आरसी में मैनेज करके कुछ सिनोनिम्स आ रहा था, मैंने मैनेज करके आया हूँ। एक फ्रेज आया था, फ्रेज का मीनिंग बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था, फ्रेज का क्या होगा, इसलिए मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। आरसी में मैंने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करा, आरसी में मैंने छोड़ा ज्यादा ज्यादा, इसमें अटेम्प्ट मैंने 26 करा है, और 20 मार्क्स पर आ जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, स्मॉल स्मॉल पैरा एग्जाम्पल आए थे उसके बाद, है ना, 5 मार्क्स से स्मॉल पैरा एग्जाम्पल आए थे, जिसमें होता नहीं कि एक ऐसे करके 5 लाइनें लिख रखी है, उसमें आपको सही वाला बताना होता है पैटर्न कौन सा होता है। ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब इतना आसान नहीं था जितना आसान मैंने आईपीएस आईबी पीएस क्लर्क में देखा था, उतना आसान नहीं था। इंग्लिश सेक्शन काफी, मतलब मॉडरेट लेवल था इसका। वर्ड रिप्लेसमेंट आया था, ये थोड़ा इजी था, वर्ड रिप्लेसमेंट आया था, ये थोड़ा इजी था। ठीक है, फिर आया था एरर डिटेक्शन, ये मुझे थोड़ा सा इजी लगा। अब लास्ट टाइम मैंने एरर डिटेक्शन बिल्कुल नहीं करा था, रिस्क नहीं लिया था, लेकिन इस बार मैंने रिस्क ले लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा जो कट ऑफ है वो 1-2 नंबर से रह जाए वापस से। मैं चाहूंगा कि इसमें अच्छी तरह पास हो जाऊं, फिर मुझे मेंस देने का मौका मिले। तो एरर डिटेक्शन भी ठीक था, और एरर डिटेक्शन ऐसा वाला नहीं था, ऐसा वाला नहीं था, 5 लाइनें लिखी थी, आपको बताना था करेक्ट वाला कौन सा है, या फिर ऑल ऑफ द करेक्ट। ठीक, तो कुछ इंग्लिश वाला पेपर मेरा ऐसा गया है। ठीक है, तो अगर टोटल देखा जाए तो रीजनिंग 35, इसमें 29, इसमें 26 करा है, तो 5 5 10 5 कर गया एक, है ना, 20, 90, तो 90 मार्क्स का मैं करके आया हूँ, देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं मेरे। ठीक है, अपने अपने आप अटेम्प्ट बता देना, और सेक्शन वाइज जो अटेम्प्ट है वो बता देना जरूर, है ना, रीजनिंग मैथ और इंग्लिश सेकंड से। और आप ये बता देना कि इजी है कि मॉडरेट या फिर हार्ड लेवल आपको लगा। ठीक, ये 3 चीजें आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। ठीक है, तो ये एसबीआई क्लर्क का पूरा मैंने पेपर बता दिया है आपको, आप लोग अपने अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना कि कैसा है, डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और भी वीडियो आते रहेंगे अभी। अब आईबीपीएस पीओ के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, 26 को ही, 26 नवंबर को ही पेपर है। ठीक है, एसबीआई क्लर्क का 25 को भी काफी लोगों का पेपर है, तो उनके लिए एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा कि कैसा आने वाला है पेपर। ठीक है, तो 26 नवंबर को भी आईबीपीएस पीओ का पेपर है, उसके लिए आप तैयारी करते रहिए। डिस्क्रिप्टिव अभी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, मैं वापस से बार बार बोल रहा हूँ, काफी लोगों के मैसेज आए थे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव मैं अभी बता रहा हूँ, लिखना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। वर्ल्ड पे या फिर कहीं पे भी, आप जहां भी सूट करें, नोटपैड पे, कंप्यूटर पे बैठ के ट्राई करते रहो डिस्क्रिप्टिव। काफी लोग इसको छोड़ जाते हैं, और ये बिल्कुल बहुत बोनस मार्क्स होते हैं, मतलब 25 मार्क्स जो होता है एकदम फ्री मार्क्स होते हैं, इसको आप कभी गंवाना मत। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, एंड डू मॉक टेस्ट।